आश्रम सेवा करने स्त्री की पत्नी मार दी जाए तो आश्रम आएगा कौन? संत मारे गए, एक बार आश्रम वीरान हुआ, आप सब कहने पर हमने अपने जीवन के जोखिम लेकर के हम यहाँ आए, फिर परंपरा शुरू हो गई। सैकड़ों बार मैंने प्रशासन से कहा कि यहाँ आप सशस्त्र व्यवस्था करा दीजिए, जो रात दिन यहाँ सुरक्षा में रहे, कभी होमगार्ड आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी तीन लगते हैं, कभी दो टी, कभी सर्वतोमुखी सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके लिए हमने भी अपर पुलिस अधीक्षक से बोल दिया है कि आश्रम की सुरक्षा और आपकी निजी सुरक्षा की भी जो बात है उसके बाबत हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें चूक ना हो। और एक लाइसेंस की बात बताई जा रही थी, किनके वो बताइए, हम करवा देंगे। तो आगे आइए। आज पूरा क्या था? कल आश्रम से जब यहाँ की शिष्या और सेविका मीरा जी जा रही थी तो उनका शव यहाँ से 300 मीटर आगे सड़क के बाईं तरफ मिला, जिसके क्रम में उनके पति भास्कर जी के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई। आज मैंने यहाँ पर उनको आश्वस्त किया है कि साक्ष्य संकलन करते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया जाएगा, जिसके क्रम में संतुष्ट होकर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है।